नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पांच टॉप स्मार्टफोन्स जो आप खरीद सकते हैं नॉन चाइनीज अंडर ₹20,000। तो सबसे पहला फोन है मेरे पास आपके लिए द सैमसंग गैलेक्सी M31S। वो इसलिए नहीं कि वो मैं यूज़ कर रहा हूँ या मैंने ख़रीदा है, बल्कि वो इसलिए बिकॉज ये फ़ोन जो है वो जेन्युइनली एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। इसमें आता है आपका एक 6.5 इंच फुल डिस्प्ले, बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले है। स्क्रीन के बीच में होल पंच स्क्रीन है और सेल्फी कैमरा जो है वो बीच में आती है। 64 मेगापिक्सल कैमरा है, उसके साथ आपको मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 5 मेगापिक्सल का एक बोके इफेक्ट कैमरा भी। और बिल्ड क्वालिटी फ़ोन की बहुत अच्छी है, जैसा कि मैंने कई सारे वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। और फील फ़ोन की अच्छी है, इट इज़ फास्ट, इट हैज़ गॉट नो लैग्स, हैंग नहीं हुआ है। हाँ, अगर आप गेम्स के शौकीन हैं, अगर आप पबजी के शौकीन हैं स्पेसिफिकली, तो मैं आपको M31S सजेस्ट नहीं करूंगा। अदर देन दैट, अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं मेरी तरह, YouTube हो गया, Facebook हो गई, Instagram हो गया, या जनरल यू नो सोशल मीडिया हो गई, रोज़ की डेली यूजेज हो गई, तो उसके लिए M31S इज जस्ट परफेक्ट। जस्ट मेक श्योर दैट यू गेट द 8GB वर्जन एंड 128GB वर्जन जो आता है, 8GB प्लस 128GB एंड नॉट द 6GB एंड 128GB। मेरे पास 6GB वाला है, आई एम हैप्पी विद इट, बट लाइक आई ऑलवेज से, जो भी मेरे साथ क्वेश्चन पूछता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना ज़्यादा रैम आपके मोबाइल फ़ोन में होगा, उतनी ज़्यादा आसानी से आपके ऐप्स चलेंगे, उतने ज़्यादा आसानी आपके ऐप्स को रन करने में होगी। तो पहला फ़ोन जो मेरे लिस्ट में है वो है सैमसंग का गैलेक्सी M31S, अगर आप नॉन चाइनीज़ फ़ोन ढूंढ रहे हैं ₹20,000 के अंडर। दूसरा फ़ोन जो आप देख सकते हैं वो है नोकिया 8.1। नोकिया हैज़ ऑलवेज बीन अ ट्रस्टेड ब्रांड, नोकिया को लोगों ने हमेशा ट्रस्ट किया है। ऑफ कोर्स नोकिया हैज़ नॉट बीन डूइंग सो वेल व्हेन इट कम्स टू द स्मार्टफोन इंडस्ट्री एज सच, बट उनका 8.1 जो फ़ोन है वो बहुत ही अच्छा फ़ोन है और 20,000 के अंडर आ जाता है। इसमें मिल जाता है आपको एक बहुत ही स्टाइलिश और स्लीक लुकिंग फ़ोन, जो कि आता है 4GB और 64GB कॉन्फ़िगरेशन में। 6.18 इंच डिस्प्ले है इसका, बेजललेस, गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है और बहुत ही एस्थेटिक सा एक मिनरल ग्लास बैक इसमें दिया गया है। स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर है, तो प्रोसेसिंग पावर में मुझे नहीं लगता पर्सनली कोई इसमें कमी होने वाली है आप लोगों को अपने पर्सनल ऐप्स या कुछ और रन करने में रेगुलर बेसिस। 12 मेगापिक्सल और 3 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल प्लस 3 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा सेंसर आता है और फ्रंट कैमरा जो आता है इसका वो है 20 मेगापिक्सल का, जो कि काफ़ी डिसेंट डिटेल्स प्रोवाइड कर देता है। तीसरा फ़ोन आप देख सकते हैं सैमसंग का अपना A50s, डिसेंट फ़ोन है, 20,000 के अंडर आ जाता है, करीब 18,000 में या शायद उससे भी कम में अभी तो आपको मिल जाएगा A50s। आता है आपका एंड्रॉयड 10 के साथ और 6.4 इंच बेजललेस डिस्प्ले है, जैसा कि सैमसंग के रीसेंट सारे M सीरीज़ या A सीरीज़ फ़ोन्स में ऑलरेडी आ रहा है। इसमें सैमसंग का एक्सिनस ऑक्टा 9611 प्रोसेसर है, बहुत ही अच्छा 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है, तो फोटोग्राफी में आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी व्हेन इट कम्स टू द A50s। 4000mAh की बैटरी है और आपको मिल जाता है फ्रंट कैमरा एक 32 मेगापिक्सल का। तो ओवरऑल अगर मैं A50s की बात करूं, ₹20,000 के अंडर ये भी काफ़ी अच्छा एक चॉइस है आपके पास अगर आप फ़ोन ढूंढ रहे हैं इस प्राइस ब्रैकेट में। तो नेक्स्ट फ़ोन जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा वो है मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस। बहुत ही स्टाइलिश फ़ोन है और इसका कलर जो है वो बहुत ही डिफरेंट है दूसरे फ़ोन्स के मुकाबले में। ये आता है एक अट्रैक्टिव पर्पल शेड में और इसमें आता है 6.5 इंच का बेजललेस डिस्प्ले और एक प्लास्टिक बैक। स्नैपड्रैगन का 730G इसमें प्रोसेसर है, जो कि डिसेंट है, अच्छी तरह डे टू डे ऐप्स को रन कर लेता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। 6GB और 128GB वर्जन में आता है और इसका जो कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का एक सेंसर है और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो शायद फ्रंट कैमरा इतना हाई रेजोल्यूशन नहीं है, बट इट डेफिनेटली डज द जॉब, सेल्फीज काफ़ी डिसेंट ये ले लेता है। तो मोटरोला का फ्यूजन वन प्लस एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप 20,000 के अंडर एक फ़ोन ढूंढ रहे हैं जो कि नॉन चाइनीज़ है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Asus के काफी अच्छे फोन हैं, उनमें से एक फोन जो मुझे पर्सनली पसंद है जो Zenfone Max Pro M164GB वाला जो फोन आता है वो, इसमें आता है आपका 5.99 इंच बेजललेस डिस्प्ले अगेन एल्युमिनियम बैक के साथ और एक 636 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर रन करता है ये, जिसमें आता है 4GB रैम। और कैमरा सेटअप की अगर मैं बात करूं तो 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का इसमें आपको कैमरा मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। तो अगेन फ्रंट कैमरा का जो रेजोल्यूशन है वो इतना हाई नहीं है, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, द फ्रंट कैमरा वर्क्स डिसेंटली वेल, अच्छे सेल्फीज ले लेता है आपके डेली सोशल मीडिया के यूजेज के लिए। आई थिंक इट बिकम्स अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन अगर आप अच्छा एक डिसेंट फोन ढूंढ रहे हैं 20,000 के नीचे नीचे तक। फोन्स तो और कई भी हैं बट ये मेरा एक पर्सनल फेवरेट है, मुझे पता नहीं क्यों ये वाला फोन काफी अच्छा लगता है इस लिस्ट में। ऑफ कोर्स मेरी लिस्ट जो है वो क्रोनोलॉजिकली नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप M31S पहले खरीदिए और आप Asus का Zenfone सबसे लास्ट में देखिए अगर आपके पास चॉइस है तो। चॉइसेस कई और हैं, Samsung का ही M31 इज आल्सो अ वेरी वेरी नाइस फोन, काफी अच्छा परफॉर्मेंस उसका रहा है। मैं इससे पहले अपने M31S के पहले, इस फोन से पहले मैं M31 यूज़ कर चुका हूँ, M30 यूज़ कर चुका हूँ, तो सारे फोन्स ही अच्छे हैं 20,000 के नीचे नीचे। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि 20,000 रुपये से एक भी नोट ज़्यादा खर्च करना पसंद नहीं करता है व्हेन इट कम्स टू मोबाइल फोन्स। मुझे 40,000, 50,000, 60,000 के फोन्स पर्सनली समझ में नहीं आते हैं। ऑफकोर्स दोज आर ब्रिलियंट फोन्स इन देयर ओन राइट, बट वन इट कम्स टू 20,000 के अंडर फोन्स, मुझे लगता है कि ये जो मैंने ऑप्शंस आपको बताए हैं वो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं अगर आपको 20,000 के नीचे नीचे फोन्स चाहिए तो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, और बिकॉज ऐसे काफ़ी कंटेंट आगे आता रहेगा, काफ़ी नए नए फ़ोन्स के रिव्यूज़ आते रहेंगे, अनबॉक्सिंग्स आते रहेंगे, और ऑफकोर्स फोटोग्राफी के बारे में मैं ज्ञान आपको देता ही रहूँगा। ऑल्सो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं, वहाँ पर जाइए, फॉलो कीजिए और एक DM में आप हेलो भेज दीजिए, सो दैट आई गेट टू नो दैट यू हैव कम फ्रॉम दिस वेरी चैनल। शुक्रिया आप लोगों का इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट देने के लिए, और वादा है मेरा कि आगे ऐसे वीडियोस काफ़ी सारे लेकर आता रहूंगा। ऑन दैट नोट आई एंड दिस वीडियो हियर, मिलता हूँ जल्दी आपसे एक और नए वीडियो में। नमस्कार।